पति देव ने दिया अचानक से सरप्राइज यहाँ पे आर्या का न्यू फोन खरीदने पहुंचे सो गाइज यहाँ पे सुबह का टाइम है मॉर्निंग का और मैं खाना खाने जा रही हूं भोजन करने बहुत जोरों की भूख लगी है मैं मेरे पति दियो, दोनों साथ में जा रहे हैं खाना खाने मैं भी नहा ही चुकी हूँ तो मैंने सोचा इनके साथ ही भोजन कर लेती हूँ क्योंकि बहुत बहुत दिनों से साथ में खाए नहीं हैं दोनों जन तो साथ में बैठ के खा लेते हैं और वैसे रहता है तो फिर मैं इनके जाने के बाद ही नहा के पूजा करती थी फिर खाना खाती थी फिर उसके बाद जब से गाँव से आई हूँ तब से नहा के पूजा कर लेती हूँ बट खाना नहीं खा पाती क्योंकि रोटी वगैरह सेकना रहता है तो फिर रोटी सेक गर्मा गर्म देती हूँ उसके बाद खाना खाते तो आज साथ में ही खाना खाएंगे हर हर महादेव गुड आफ्टरनून गाइस कैसे हो आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ सो गाइस मेरा खाना पीना यहाँ पे हो गया है और अभी पति देव का कॉल आया था कुछ काम से बाहर जाना है तो जा रही हूँ साथ में देखती हूँ कुछ काम है मेरा मैं बहुत दिन से सोच रही थी उसको करने के लिए पर पतिदेव के पास टाइम नहीं था तो आज बोले कि चलो मैं करा दूं उसके बाद फिर मैं जाऊँ और आप लोग सोच रहे हो कुछ काम क्या है तो वो काम ये है कि मुझे साड़ी का फॉल वगैरह लेना था तो इसलिए मैं जा रही हूँ और जाऊँगी तो कॉफ़ी पी के किया मुझे ना कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है घर का नहीं बाहर का ठीक है तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिए ब्लॉग अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा चलिए साथ में ही चलते हैं फॉल वगैरह लेते हैं तो जैसा रहेगा वैसा वीडियो शूट करूँगी टाइम रहेगा शूट करूँगी नहीं रहेगा तो नहीं शूट करूँगी क्योंकि अभी करवा चौथ आ रहा है तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ तो थोड़ी थोड़ी तैयारी करूँगी मैंने ऑनलाइन ज्वेलरी वगैरह भी मंगवाया है चूड़ा मंगवाया है और साड़ी के लिए मैंने बोला है एक साड़ी बहुत तेज़ ट्रेंडिंग में है वही साड़ी के लिए मैंने बोला है अपने हस्बैंड से देखो क्या करते हैं मुझे वही साड़ी चाहिए अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं जाके दुकान से शॉपिंग करके आऊँगी लेकिन मुझे वही साड़ी पहनने का मन है तो देखिए क्या होता है तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से सो so गई आ गई हूँ फॉल वगैरह का वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था मुझे याद भी नहीं था कि वीडियो शूट करना है फिर जब यहाँ कॉफ़ी पीने आया तो याद आया आप लोग सोचते हो कि बहुत पैसा इसलिए रोज़ रोज़ कॉफ़ी पीने हैं जी नहीं मेरे पास बहुत पैसा नहीं है बट पच्चीस रुपये की कॉफ़ी आती है फिल्टर कॉफ़ी तो पच्चीस रुपये में क्या ही हो जाएगा तो इसलिए आ गए पीने मुश्किलों को चीर के सो गए सुबह में पूरा काम नहीं हुआ था आर्य के लिए अंडर पैंट लेना था और गंजी भी लेना था तो फिर शाम पूरा पतिदेव आए तो उसके बाद निकल पड़े यहाँ पे बहुत बारिश हुई है इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं आर्या का मोबाइल लेने यहाँ पे आ गए हैं आर्या का मोबाइल देखो आर्या कितने प्यार से देख रही है मोबाइल अपना तो यही मोबाइल लिए हैं आर्या के लिए बहुत दिन से इसको लेना था सोच रहे थे लेने के लिए लेकिन हो नहीं पा रहा था आ ही नहीं पा रहा कभी मैं आ रही थी तो आर्या नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसका फ़ोन है तो उसकी पसंद का होना चाहिए तो इसलिए वो आज उसको पतिदेव लेकर आए और उसको फ़ोन दिला रहे हैं न्यू और मैं भी आई हूँ साथ में आर नहीं आ पाया क्योंकि आर खेलने चला गया था और यहाँ पे देखिए इतनी जोरों की बारिश हो रही है ना भगवान नहीं चाहते थे कि आर्या नया फ़ोन ले बट आर्या ने ले ली ले ही लिया उसने जिद नहीं किया और उसको मतलब उसका फ़ोन जब से ख़राब हुआ तब से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मेरे फ़ोन पे ही सब कुछ आ रहा था और मुझे एडिटिंग वगैरह करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो इसलिए मैंने ही कहा कि भाई उसको फ़ोन दिला दो नहीं तो मेरा जान खा रहे हैं ये लोग बच्चे तो इसलिए उन लोगों को फ़ोन दिला दिए पति दे। और अब हम लोग घर पे आ गए हैं और बारिश का मौसम है तो मैं सोच रही हूँ कि खाने में मैं बना देती हूँ पनीर पालक पनीर और रोटी तो तो चलिए पालक पनीर की तैयारी कर लेते हैं यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है उबलने के लिए और इसको अच्छे से धुल लेती हूँ तीन चार पानी से धुलूँगी पालक क्योंकि पालक बहुत गंदा है और इस टाइम का पालक गंदा ही होता है बारिश का तो इसलिए मैं तीन चार पानी से पालक धो के फिर उसके बाद उबलने के लिए रखूँगी और पानी तो मेरा रखी हूँ उबल जाए उबल ही जाएगा और थोड़ा सा इसमें धनिया डालूँगी धनिया से डालने से क्या होता है ना जो उसका जो स्वाद होता है ना बहुत अच्छा हो जाता है तो इसलिए मैं धनिया थोड़ा सा डालूंगी और तीन चार टमाटर डालूँगी आप लोग पालक पनीर कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा कॉमेंट करके और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं बिना टमाटर का पालक पनीर नहीं बनाती हूँ पालक का यहाँ पे निमेना भी बनता है हम लोग बनाते हैं जैसे पालक पनीर बनता है सेम वैसे ही बनता है बस उसमें पनीर नहीं डालते हैं तो निमेना हो जाता है और यहाँ पे मैं लहसुन और प्याज का यूज नहीं कर रही हूँ राई का तेल नहीं यूज़ कर रही हूँ बिना राई के तेल बिना लहसुन प्याज के ही मैं आज की सब्ज़ी बना रही हूँ आज की क्या मैं चार पाँच दिन छः दिन से मैं लहसुन प्याज और ड्राई का तेल और जो तड़के में राई लगाते हैं तो वो सब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है श्राद्ध चल रहा है तो श्राद्ध में ये सब यूज नहीं करते जब से पापा ने मुझे बताया तब से मैं ये सब यूज़ नहीं कर रही हूँ और यहाँ पे ये तीसरा बार पानी है पालक को धोते हुए तो तीन बार हो गए धोते हुए पालक को अब बस अब एकदम साफ आ रहा है पानी तो इसके लिए बस हो गया धुल चुके पालक अब इसको डालेंगे हम पानी में पानी में डालने के बाद फिर इसमें मैंने थोड़ा सा मिर्ची भी साथ में ही डाल दिया है और साथ में धनिया भी डाल दिया है और साथ में ही टमाटर भी डालेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए और मिक्सी में अच्छे से पीस जाए तो इसलिए टमाटर भी डालेंगे तो अभी टमाटर मैंने फ्रिज में से निकाला नहीं अभी चल रही हूँ निकालूंगी उसको निकाल के धुलूँगी धुल के फिर डालूँगी तो यहाँ पे मैं कुछ खोजने बैठ गई थी फिर उसके बाद पानी मैं रखती हूँ फ्रिज में ताकि वो पानी ठंडा हो जाए और पालक धोने के लिए पालक जब ठंडे पानी से धुल दो ना तो कलर एकदम ग्रीन का ग्रीन ही रहता नहीं तो कलर बदल जाता है तो इसलिए मैं ठंडा पानी रखती हूँ फ्रिज में और मेरे फ्रिज में वैसे आइस क्यूब है तो मैं उसको भी डाल हूँ कि पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होगा तो फ्रीजर में डालने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि फ्रीजर में मैंने मसाला वगैरह रखा है मसाला फ्रिज में रखती हूँ तो ख़राब नहीं होता तो इसलिए मैंने फ्रिजर में मसाले वगैरह और बेसन मैदा ये सब रखी हूँ ताकि इस समय कीड़ी ना पड़े नहीं बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं तो यहाँ पे मैंने आइस क्यूब भी निकाल लिया है बहुत ज़्यादा पानी ठंडा नहीं हुआ था तो आइस क्यूब भी डाल देती हूँ और उसके बाद मैंने डाल दिया वो क्लिप कट गया थोड़ा सा उसके बाद इसमें अब पालक डाल देंगे पालक की रेसिपी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है बहुत अच्छी रेसिपी होती है बहुत झटपट बन जाता है तो मुझे तो पालक पनीर ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि बनाने में भी झटपट रहता है और खाने में भी हेल्दी होता है तो इसलिए मैं तो वही जब भी बनाना होता है पालक रहता है घर में तो मैं पालक पनीर ही बना देती हूँ और यहाँ पे ये देखिए मैं इसको जा रही हूँ मिक्सी में पीसने ग्राइंड कर देती हूँ फिर उसके बाद मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर करती हूँ और यहाँ पे देखिए टमाटर का मैंने जो भी छिलका था ना निकाल लिया छिलका निकालने से ना टमाटर का जो मतलब देखने में भी अच्छा लगता है तो और खाने में भी रेसा नहीं होता और यहाँ पे मेरा पिस गया है अब इसको मैं हटा के यहाँ पे मैं अपने हिसाब से स्लाइस काट रही हूँ पनीर का पनीर एक्चुअली आए मेरा एक घर में बहुत दिन हो गया था और पनीर ज़्यादा दिन हो जाता है तो वो नुकसान भी करता है इसलिए मैंने कहा मैं खा खा के ख़त्म कर देती हूँ तो मैं तो नहीं खाऊंगी बच्चे लोग खाएँगे पतिदेव खाएंगे क्योंकि मेरा शाम का खाना जो भी खाना था मेरा सब हो गया और यहाँ पे अब तैयारी करनी रही हूँ पालक पनीर की यहाँ पे मैं मीठा तेल का यूज कर रही हूँ थोड़ा सा इसमें बटर भी यूज करूँगी मैं थोड़ा सा ही तेल में बना रही हूँ और थोड़ा सा मैं खड़े मसाले डालूँगी खड़े मसाले में जैसे जीरा तेज़पत्ता और दालचीनी खड़ी लाल मिर्च इसको डाल के उसका तड़का लगा दूँगी तड़का लगाने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जो भी पनीर कट किए हुए हैं वो डाल दूँगी थोड़ा सा हिंग डाल दें कट कर करके पनीर रखा है उसको डालने के बाद फिर उसमें मसाले ऐड कर दूँगी एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच पनीर बटर मसाला एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच उसका मसाला बिरयानी मसाला डाल के अच्छे से इसको फ्राई करेंगे उसके बाद जो भी है मैंने बनाया है पीस के रखा हुआ है उसको डाल दूँगी उसको डाल के फिर अच्छे से चला के हो गया पानी अपने अकॉर्डिंग डाल दो तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर का यूज किया है तो गाइज एकदम सिंपल सी रेसिपी है ये और इसके साथ खाने के लिए रोटी बनाऊंगी आटा आधा गूँ के रख दी है चावल हो गया है तो पतिदेव को खाने का मन था चावल मैं तो मेरा तो मन नहीं था कि मैं शाम को चावल बनाऊं पर पतिदेव ने कहा कि नहीं पनीर बना रही हो तो चावल थोड़ा सा बना ही दो तो उस लिए चावल भी बन रहा है थोड़ा सा बन रहा है क्या बन गया है बन के रखा गया है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पास से कि मेरा खोल रहा है पालक पनीर ये देखिए पालक पनीर बन के रेडी हो गया है अब इसके साथ बनाना है रोटियाँ आइए आप लोग भी गर्मा गर्म खा लीजिए सो गई जब आ गई हूँ मैं रोटियाँ बनाने और रोटियाँ बना लेती हूँ फिर आरो को खाना देती हूँ आरो को लगी है भूख तो वो स्कूल से आया खाना नहीं खाया था तो मैंने कहा मैं दे देती हूँ खाना उसको बना के मैं वो, वो बोला चावल दे दो मैं बोली रोटी भी थोड़ा दो रोटी भी खा लो क्योंकि इतना आटा गुथा है क्या होगा आटा और मैं फ्रिज में आटा रखती नहीं हूँ फ्रिज में आटा नहीं रखना चाहिए कूद के तो इसलिए मैं नहीं रखती हूँ और मैं जो सुनती हूँ कि ये चीज़ गलत है वो काम मैं करना छोड़ देती हूँ भले कितना भी दिक्कत हो पहले मैं आटा गूद के एक्स्ट्रा रख देती थी और सुबह में वही रोटी बना के दे देती बच्चों को फिर मुझे बाद में पता चला कि किसी ने मुझसे बोला कि नहीं रखते तो नहीं रखी तो यही है आज का ब्लॉग आई लोग को पसंद आया होगा पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक, तक के लिए बाय बस यूसूल लगा इस